वंस अगेन हेलो, देखते हैं। चलिए वापस से आ जाइए, ज्वाइन कर लेते हैं। वंस अगेन हेलो, हाय। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रहा है स्ट्रीम में। अब लगता है शायद अब नहीं आएगा, क्योंकि बाकी अपकमिंग स्ट्रीम्स जो भी थे मैंने सब रिमूव कर दिए हैं। अब सिंगल स्ट्रीम चल रही है, एक ही है बस। बाकी लोगों को आने देते हैं। अपना नाम लिखते जाओ, चैट में अपना नाम लिख दें। हाँ बिल्कुल, नई स्ट्रीम है, अब कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। आई होप इस बार डिस्कनेक्ट नहीं होगी। एक तो गर्मी यहाँ की, कोरोना, गर्मी, और अब आपको पता चल रहा है, एक 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 इंसेक्ट का सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो आजकल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडिया में, अफ्रीका में भी कर रहा है, इंडिया में भी कर रहा है। उसका सेक्स डिटर्मिनेशन भी हमको आज पढ़ना है। ओके, 3.0 स्ट्रीम, 3.0 स्टार्ट कर रहे हैं। खैर चलिए, आई थिंक ज्वाइन हो गए हैं सब लोग। एक काम और कर दो, आप में से कोई कमेंट कमेंट छोड़िए वहाँ पे, अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके एक मैसेज डाल दीजिए, थर्ड स्ट्रीम आ चुकी है, इसको ज्वाइन करना है। बिल्कुल टिड्डी टिड्डी को क्या बोलते हैं भैया इंग्लिश में, उसका कुछ नाम बताओ। लोकस्ट। अच्छा हाँ जी, चलिए तो अभी क्या करने वाले हैं, उन सबका सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ने वाले हैं। अब अच्छा खासा चल रहा था, बीच में इंटरप्ट हो गया है, तो एक बार फिर से सुन लो जल्दी से, ठीक है? एक बार फिर से जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। लोकस्ट, ओके। चलो वापस से आएंगे, जल्दी से आएंगे। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहा था मैं, सिंपली एक बार फिर से बता देता हूँ। कोई ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है ये पता करना, दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इस सेक्स को पता करने के लिए, कोई इंसान मेल है या फीमेल है उसको पता करने के लिए, हम लोग किसी के क्रोमोसोम्स के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं वो मेल है या फीमेल है। जैसे कि एक्स एक्स मतलब इन केस ऑफ ह्यूमंस फीमेल, एक्स वाई मतलब इन केस ऑफ ह्यूमंस इज मेल। तो मतलब कि क्रोमोसोम्स के बेसिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कोई इंडिविजुअल मेल है या फिर फीमेल है। सेकेंड, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसका प्लॉइडी लेवल। कई कंडीशंस ऐसी बताऊंगा मैं आपको, कुछ कंडीशन ऐसी बताऊंगा जहां पे हैप्लॉइड इंडिविजुअल मेल होंगे या और डिप्लॉइड इंडिविजुअल फीमेल होंगे, उल्टा भी हो सकता है, पर ऐसी कंडीशन जिसमें आप प्लॉइडी लेवल को देख के, कोई इंडिविजुअल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है, इस चीज को देख के अगर आप किसी का सेक्स डिसाइड कर लें तो ये भी एक कंडीशन पॉसिबल है। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंट में कोई भी चेंज अगर हो रहा है, उस चेंज की वजह से सेक्स पे, सेक्स ऑफ अ इंडिविजुअल जो है वो भी डिटरमाइन किया जा सकता है। मतलब एनवायरमेंटल टेम्परेचर के बेसिस पे आप बता सकते हो कि कोई भी एग हैच होने के बाद मेल अब उसमें से पैदा होगा या फिर फीमेल पैदा होने वाली है। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर सेकंड टर्म मैंने डिस्कस की थी, हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी में आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता है अगर हेट्रोजाइगोसिटी मेल की, मेल के बारे में बात करें, मेल हेट्रोजाइगोसिटी के बारे में बात करें, तो इस कंडीशन में जो भी मेल इंडिविजुअल होंगे उनके पास होमोजाइगस कंडीशन नहीं मिलेगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी, ठीक है? अगर फीमेल हेट्रोजाइगोसिटी की बात करूं तो यहां पे जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होगा उसे हम फीमेल कंसिडर करेंगे, मेल कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? तो देखो जल्दी से वापस से आ जाते हो इस कंडीशन पे। ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस में एक्स एक्स, दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन है, और इस कंडीशन वाले इंडिविजुअल को हम लोग मानते हैं फीमेल, ठीक है? अगर ह्यूमंस में एक्स और वाई कंडीशन मिल जाती है तो इस कंडीशन को हेटरोजाइगस कंडीशन बोलोगे, और ये हेटरोजाइगस कंडीशन वाले इंडिविजुअल होते हैं मेल इन केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है? ह्यूमंस के अलावा ड्रोसोफिला में भी सेम कंडीशन मिलेगी, एंड ड्रोसोफिला इज फ्रूट फ्लाई, ठीक है? लास्ट स्ट्रीम में हमने ये डिस्कस कर लिया है, पर फिर से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नई स्ट्रीम है, अगर इसको मैं रीअपलोड करूंगा तो बाकी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी ना, इसलिए। देखो आ जाते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन पे। मेल हेटरोजाइगोसिटी में एक और कंडीशन मिलती है, एक्स एक्स और एक्स ओ।
यहां पे जो एक्स एक्स है दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, और होमोजाइगस में कौन मिलने वाला है? फीमेल, क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं मेल हेटरोजाइगोसिटी, मतलब कि हेटरोजाइगस कंडीशन अगर मिल गई तो वो मेल होगा, अगर मेल हेटरोजाइगोसिटी की बात करोगे, अगर हेटरोजाइगस कंडीशन मिल गई और वो फीमेल है मतलब फीमेल हेटरोजाइगोसिटी की बात हो रही है। तो देखो मेल हेटरोजाइगोसिटी में एक एग्जांपल हो गया ह्यूमन मेल्स, और दूसरा कौन? ड्रोसोफिला के भी मेल्स हेटरोजाइगस होते हैं। चलो अब दूसरी बात करें, फीमेल्स अगर एक्सएक्स वाले फीमेल हैं होमोजाइगस कंडीशन में है, और एक्सो वाले मेल हैं हेटरोजाइगस कंडीशन में है, तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा मेल हेटरोजाइगोसिटी का। चलिए इसके एग्जांपल में किसको याद रखेंगे आप लोग? तो इसके एग्जांपल में आप लोग याद रखेंगे कॉकरोच को याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेकंड आप याद रख पाएंगे ग्रास हॉपर, ठीक है। कॉकरोच और ग्रास हॉपर जो है इनको स्पेसिफिकली आपको याद रखना है। ग्रास हॉपर के मेल होते हैं एक्सओ टाइप, और कॉकरोच के मेल्स भी होते हैं एक्सओ टाइप, ठीक है, याद रखना है। अगर आपने क्रोमोसोम्स को चेक किया और आपको एक्सओ कंडीशन मिलती है, मतलब कि वो या तो कॉकरोच का मेल है या फिर ग्रास हॉपर का मेल है, ठीक है। चलो फीमेल हेटरोजाइगोसिटी की बात कर लेते हैं। देखो फीमेल हेटरोजाइगोसिटी की कंडीशन में आएगा, एक आएगा जेड जेड, जेड डब्ल्यू टाइप। अब जेड 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 डब्ल्यू किस का केस में क्या होने वाला है? चूंकि ये फीमेल हेटरोजाइगोसिटी की बात कर रहे हो तुम, तो जो हेटरोजाइगस इंडिविजुअल होगा उसे हम कंसिडर करेंगे फीमेल, और जो होमोजाइगस इंडिविजुअल होगा इसको हम कंसिडर करेंगे मेल, ठीक है। हेटरोजाइगस कौन किसको मानेंगे? फीमेल को। होमोजाइगस मानेंगे मेल को, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? फीमेल हेटरोजाइगोसिटी, फीमेल हेटरोजाइगोसिटी। चलो अब देखो इसके एग्जांपल में आता है बर्ड्स, मतलब अगर हम बर्ड्स की बात करें, सिल्क वर्म की बात करें, कई सारे फिशेस की बात करें, तो उन सब में आपको सेम कंडीशन मिल जाएगी, मतलब कि बर्ड की जो बर्ड्स में जो फीमेल होते हैं उनके पास में क्रोमोसोम होता है ZW, सिल्क वर्म के फीमेल्स के पास में भी क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है ZW, और फिशेस के पास में भी, कई सारे फिशेस में, हर फिशेस नहीं, कई सारे फिशेस में फीमेल्स जो है उनके पास में क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है ZW, और मेल्स का कॉम्बिनेशन इन तीनों के लिए होता है ZZ टाइप। समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कंडीशन है ZZ ZO। अगेन चूंकि ये फीमेल हेटरोजाइगोसिटी की बात कर रहे हो, इसलिए इनमें से जो हेटरोजाइगस इंडिविजुअल है उसे हम कंसिडर करेंगे फीमेल, दिस इज अ फीमेल, हाँ दिस इज अ फीमेल, और ये जो होमोजाइगस है इसको हम कंसिडर करेंगे मेल, ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? फीमेल हेटरोजाइगोसिटी, तो जो हेटरोजाइगस होगा इस केस में वो होंगे फीमेल्स। अब इसका एग्जांपल कौन सा है जो आपको याद रखना है? तो इसके एग्जांपल में आपको याद रखना है बटरफ्लाई, क्या चीज याद रखोगे? बटरफ्लाई। उसके अलावा सेकंड एग्जांपल आप याद रखेंगे मौत, मौत नहीं, मौत नहीं, मौत, बटरफ्लाई जैसा ही होता है, थोड़ा सा क्या कह सकते हो वेलवेट लाइक उसका फर होता है, और छोटे छोटे होते हैं, उड़ते हैं, मतलब फ्लाई कर सकते हैं, पर कलर्ड नहीं होते, कलर्ड इन द सेंस मल्टी कलर्ड नहीं होते, जैसे बटरफ्लाई फ्लाई में आपने नोटिस किया उनके विंग्स में मल्टीपल कलर्स मिलते हैं, वैसे मौत के केस में मल्टीपल कलर्स नहीं मिलेंगे आपको, थोड़े साइज में छोटे होते हैं, और साथ में इनके पास में क्या मिलेगा? कोई भी एक कलर, मोस्टली ग्रे या ब्लैकिश कलर आपको इसमें दिखाई दे जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अभी नेट वर्क कर रहा है फाइनली। तो अब देखिए हमको क्या बात करनी थी, हम बात कर रहे थे सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। ये एक बेसिक मैंने आपको क्या दिया है, एक फ्लो डायग्राम बना के दे दिया है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मेल हेटरोजाइगोसिटी वाली कंडीशन किस किस में मिलेगी, ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में, कॉकरोच में, ग्रास हॉपर में, इन चारों में मिलती है मेल हेटरोजाइगोसिटी वाली कंडीशन। समझ में आ रहा है? तो ऑड वन आउट टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा बोल दो कि क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो मेल हेटरोजाइगोसिटी, तो तीन ऑप्शन तो यहां से आएंगे, एक ऑप्शन बाहर से आएगा,
जो बाहर से ऑप्शन आएगा उसको आप आंसर लगा देंगे। चलिए फीमेल हेटरोजाइगोसिटी के एग्जांपल्स में किसको याद रखना है? बर्ड, सिल्कवर्म, फिशेस, बटरफ्लाई, मॉथ, ये सब आपको याद रखना है, फीमेल हेटरोजाइगोसिटी शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हटा के एक एक करके सारी कंडीशन लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको क्लीन करता हूं फिर स्टार्ट करेंगे। साथ साथ में कॉपी जरूर करते जाना। ठीक है, चलिए मैं ऊपर का रिमूव कर देता हूं जिससे आप नीचे वाले ये पूरी इंफॉर्मेशन कॉपी कर लें, और ये भी मैं रिमूव कर देता हूं। चलिए क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन की बात कर रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं अबाउट ह्यूमंस। ह्यूमंस के केस में हेटरोजाइगस इज मेल, या बोलो मेल इज हेटरोजाइगस एंड फीमेल इज होमोजाइगस। मतलब क्या है? आपको पता है हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? हमारे पास में टोटल 46 क्रोमोसोम हैं, जो कि 23 पेयर्स में प्रेजेंट है। कितने क्रोमोसोम हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। इन 46 क्रोमोसोम में से आपको पता होना चाहिए 44 तो ऑटोसोम्स हैं और दो हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि एक्स एक्स की कंडीशन में भी मिल सकते हैं या फिर एक्स वाई कंडीशन में भी मिल सकते हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं 44 प्लस एक्स एक्स, मतलब कि फीमेल। दूसरी कंडीशन में लिख रहा हूं 44 प्लस एक्स वाई, मतलब कि मेल। सिंपल है। अब क्या करने वाले हैं अपन लोग, यहां से आपको पता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्या होने वाला है? मियोसिस सेल डिवीजन होगा, और मियोसिस सेल डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मतलब कि जब ऐसी फीमेल जो है, ये जो फीमेल है इसके गैमेट बनेंगे, तो गैमेट के पास में जो क्रोमोसोम पहुंचेंगे वो होंगे 22 ऑटोसोम्स, 44 नहीं जाएंगे 22 जाएंगे। तो दो गैमेट बनेंगे, 22 जाएंगे इसमें, 22 जाएंगे इसमें, तो 22 ऑटोसोम्स दोनों को मिल गए, मतलब टोटल 44 ऑटोसोम्स डिवाइड हो गए। एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा यहां पर, ये लिख दिया मैंने, और एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा यहां पर। चलो 22 प्लस एक्स, अगेन 22 प्लस एक्स, तो ये कौन से गैमेट हैं? दिस आर फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। मेल के भी गैमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन करोगे तो अगेन हम दो गैमेट बना रहे हैं, इन दोनों गैमेट में से दोनों गैमेट को 22 ऑटोसोम्स मिलेंगे आउट ऑफ 44, 22 यहां, 22 यहां। उसके अलावा एक गैमेट को मिलेगा एक्स क्रोमोसोम और एक गैमेट को मिलेगा वाई क्रोमोसोम। पक्का? अब क्या होने वाला है, अब करवाएंगे फ्यूजन। देखो, अगर मैं इन दो गैमेट्स का फ्यूजन करवा दूं तो क्या होने वाला है वो देखना है। अगर मैं इन दोनों गैमेट का फ्यूजन करवा दूं तो क्या होने वाला है, यह चीज हम देख लेते हैं। तो देखो जरा, अगर मैं 22 प्लस एक्स और इस 22 प्लस एक्स को क्रॉस करवाऊंगा तो एक जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट के पास में मिलेगा 22 ऑटोसोम यहां से, 22 ऑटोसोम यहां से, मतलब कि टोटल 44 आएंगे ऑटोसोम्स, साथ में एक एक्स क्रोमोसोम यहां से आएगा, एक दूसरा एक्स क्रोमोसोम यहां से आएगा, तो 44 प्लस एक्स एक्स वाली कंडीशन मिल जाएगी। और ये जो इंडिविजुअल है इसको हम बोलेंगे ऑब्वियसली 44 प्लस एक्स एक्स कौन होता है, फीमेल। तो ये इंडिविजुअल कौन है, फीमेल। आपको कैसे पता चला, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये इंडिविजुअल फीमेल है? तो ये डिसाइड करने के लिए आपने इसके क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया है, जहां पर दो एक्स क्रोमोसोम होंगे वो कौन होगी, फीमेल होगी। तो सेक्स डिटरमिनेशन किसके बेसिस पे किया आपने, क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, पर एक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे कि वाई क्रोमोसोम के बेसिस पे, अभी देख लेते हैं। अगर हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, 22 ऑटोसोम्स यहां से, 22 ऑटोसोम्स यहां से, मतलब टोटल 44 ऑटोसोम्स हो गए।
यहां से आया x, यहां से आया y, मतलब एक्स वाई। अब आपको पता है मेल के पास में एक्स क्रोमोसोम है, बिल्कुल है, फीमेल के पास में एक्स क्रोमोसोम है, बिल्कुल है। ऐसा क्या स्पेशल है मेल के क्रोमोसोम में जो कि फीमेल के क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशन में नहीं मिल रहा है? तो वो है वाई क्रोमोसोम। तो प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, बोलो बोलो क्या, लिखो बताना भाई, प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी से लिख दो, सबको मालूम है वैसे, क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो मतलब कि हाँ हाँ लिख दो जल्दी से, हाँ हाँ बिल्कुल, कौन बनेगा, मेल बनेगा। क्यों बनेगा मेल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ह्यूमंस में सेक्स को डिटरमाइन करने वाला जो क्रोमोसोम है वो कौन सा है, वाई क्रोमोसोम है। तो हमको याद रखना पड़ेगा, इन ह्यूमंस सेक्स इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम ओनली, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। चलो सिंपल है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो ही मेल बनेंगे, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है कि फीमेल बने, दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो फीमेल बनेगी, पर एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो फीमेल भी बन सकती है, मेल भी बन सकते हैं। बस डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम की वजह से। वाई क्रोमोसोम आ गया मतलब अब फीमेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, अब मेल का ही फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, जो कि किसकी है, कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर्स की बात करें। तो कॉकरोच में और ग्रासहॉपर्स में चलिए कंडीशन मिलती है एक्स एक्स और एक्स ओ कंडीशन। ओ मतलब और दूसरा कोई क्रोमोसोम नहीं है, कोई एक ही सेक्स क्रोमोसोम है। अब यहां पे क्या करेंगे, दो तो हमने ले लिया ऑटोसोम, क्योंकि ऑटोसोम पेयर में होंगे, और साथ में ले लिया हमने क्या, एक्स एक्स कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन मतलब फीमेल, ये ग्रासहॉपर की बात हो रही है, सेकंड कंडीशन। और यहां पे हम ले लेंगे दो ऑटोसोम प्लस एक्स ओ कंडीशन, और ये होगा मेल। अगेन जैसे गैमेट यहां बने थे वैसे गैमेट यहां पे बनेंगे, एक ऑटोसोम एक गैमेट में, दूसरा ऑटोसोम दूसरे गैमेट में, एक एक्स क्रोमोसोम एक गैमेट में, दूसरा एक्स क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में। ये बन गए दो फीमेल गैमेट, ऐसे ही मेल गैमेट बना दो। मेल गैमेट कैसे बनेंगे देखो, एक ऑटोसोम एक गैमेट में, दूसरा ऑटोसोम दूसरे गैमेट में, एक एक्स क्रोमोसोम एक गैमेट में, दूसरे गैमेट के पास में कोई क्रोमोसोम नहीं गया इसलिए मैंने ओ लिख दिया है। चलो अब यहां पे दो फीमेल गैमेट है दो मेल गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करवा दो। लो भैया मेल और फीमेल गैमेट को जैसे ही आप फ्यूज करवाओगे तो क्या मिलेगा, ऑटोसोम ऑटोसोम कितने हो गए, दो ऑटोसोम हो गए, प्लस सेक्स क्रोमोसोम कितने हो गए, एक्स एंड एक्स। लो भाई ये एक इंडिविजुअल बना, दूसरा इंडिविजुअल कौन बनेगा, यहां से कैपिटल ए, यहां से भी कैपिटल ए, दो ऑटोसोम आ गए। उसके अलावा यहां से लिया एक्स यहां से लिया ओ, अब ये जो दो इंडिविजुअल बने हैं इन इंडिविजुअल का सेक्स हम कैसे डिसाइड करें, एक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे तो हम सेक्स को डिसाइड कर नहीं सकते। क्यों नहीं डिसाइड कर सकते सेक्स को ऑन द बेसिस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि इनके पास में भी एक्स क्रोमोसोम है इनके पास में भी एक्स क्रोमोसोम है, फिर डिफरेंस कहां पर है? तो डिफरेंस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो बनेंगे कौन, मेल, और अगर होमोजाइगस कंडीशन में एक्स प्रेजेंट है तो बनेंगे फीमेल। मतलब कि दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोजाइगोसिटी। एग्जाम्पल इसका आपको पता चल ही चुका है, एग्जाम्पल में कौन है, कॉकरोच आ जाएगा, उसके अलावा दूसरा कौन आने वाला है कॉकरोच के अलावा, ग्रास हॉपर। बस तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्या हो गया, ये मेल हेट्रोजाइगोसिटी वाली कंडीशन है जो आपको मैंने अभी यहां पे बना के दिखा दी। एक कंडीशन बची है ड्रोसोफिला वाली, जो मैं इन दोनों को डिस्कस करने के बाद में आपको बता दूंगा। ड्रोसोफिला की कंडीशन थोड़ी स्पेशल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए उसको पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। चलिए अब मैं ये इंफॉर्मेशन को रिमूव कर रहा हूं, यहां पे ले लेंगे हम फीमेल हेट्रोजाइगोसिटी के एग्जांपल्स में क्या होने वाला है। ऑल्दो
दो एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए हैं, इन एग्जांपल्स की तरह ही आपको ये वाले भी करने हैं, पर स्टिल मैं आपको करके बता रहा हूं जिससे कि किसी को भी कंफ्यूजन ना रहे। थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं। थर्ड कंडीशन में बर्ड्स हैं, बर्ड्स के केस में ZZ और ZW वाली केस आ जाती है। यहां पे हम क्या करेंगे, ऑटोसोम ले लेंगे पेयर में, यहां भी हम ऑटोसोम ले लेंगे पेयर में। अब देखो ऊपर वाली कंडीशन को देखें तो यहां पे फीमेल थी होमोजाइगस और मेल थे हेटरोजाइगस, क्योंकि वो मेल हेटरोजाइगोसिटी का एग्जांपल था। इस केस की बात करें तो यहां पे जो होमोजाइगस कंडीशन है वो मिलेगी मेल में और जो हेटरोजाइगस कंडीशन है वो मिलेगी फीमेल में, बिकॉज दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेटरोजाइगोसिटी। अब देखो यहां से बनेंगे दो गैमेट, यहां से भी बनेंगे दो फीमेल गैमेट। इस गैमेट में एक आ गया ऑटोसोम, एक आएगा जेड, एक आएगा ऑटोसोम, एक आएगा जेड, एक आएगा ऑटोसोम, एक आएगा जेड, एक आएगा ऑटोसोम और एक आएगा डब्ल्यू। सिंपल है, करा दो क्रॉस। एक मेल गैमेट लिया, एक फीमेल गैमेट लिया, एक मेल गैमेट लिया, एक फीमेल गैमेट लिया, फ्यूजन करवा दिया। यहां से आएगा ऑटोसोम, यहां से भी आएगा ऑटोसोम, दो हो गए ऑटोसोम। यहां से आएगा जेड, यहां से आएगा जेड, एक इंडिविजुअल बन गया, फर्स्ट जाइगोट बन गया। नेक्स्ट इन दोनों को क्रॉस करवा दो, दो ऑटोसोम आ जाएंगे, एक जेड आ जाएगा, यहां से एक डब्ल्यू आ जाएगा बगल से, यहां से ये जो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ है ना। अब ये दो इंडिविजुअल में से कौन से इंडिविजुअल को आप मेल मानोगे, कौन से इंडिविजुअल को फीमेल मानोगे, ये जेड क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा, डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि जेड क्रोमोसोम इनके पास में भी है, जेड इनके पास में भी है, पर ऐसा क्या स्पेशल है इसके पास में जो उसको हमने मेल बोल दिया और इसको हमने मेल नहीं बोला? तो क्या है, सिंपल सा प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यू। तो याद रखना ये मेल है, रुक जाइए, इसको हमने फीमेल बोल दिया और इसको हमने मेल बोल दिया, इसका रीजन क्या है? तो याद रखना जो फीमेल है उसके पास में स्पेशल चीज क्या है, उसके पास में प्रेजेंट है डब्ल्यू क्रोमोसोम। तो ये है फीमेल और ये कौन है, मेल। तो हमको याद रखना है इन केस ऑफ बर्ड्स प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यू क्रोमोसोम विल एक्सप्रेस या बोलो विल रिप्रेजेंट अ फीमेल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यू क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स अ फीमेल, मतलब कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड किस पर डिपेंडेंट है, लिख देता हूं सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स डिपेंड्स ऑन फीमेल्स। याद रखना बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल पे डिपेंडेंट है, ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंडेंट होता है मेल्स पे। यहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंडेंट है, मेल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज पता है, हमारी जो सोसाइटी है उसको अभी भी क्या माना जाता है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना। तो कई बार ऐसा होता है ड्यू टू सम इश्यूज या बोल सकते हो कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां पे एक कपल फर्टाइल नहीं होता है और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। अगर कोई कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता था पुराने टाइम पे, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाता था, फीमेल्स को। अगर कोई कपल एक नए इंडिविजुअल को बर्थ नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पहले माना जाता था फीमेल्स को, भले ही मेल्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं क्योंकि मेल्स भी स्टराइल हो सकते हैं, हो सकता है मेल गैमेट ना बन रहा हो, पर मोस्टली ब्लेम किसको किया जाता था, फीमेल्स को के। और एक और चीज, गर्ल चाइल्ड अगर पैदा हो जाती थी तो उसके लिए भी किसको ब्लेम किया जाता था, उसके लिए ब्लेम किया जाता था फीमेल्स को। ऑल्दो ये चीज अब बहुत कम होने लगी है, मोस्टली अब लोग थोड़ा सा जागरूक हो गए हैं एंड समझने लगे हैं चीजों को, है ना। तो इस वजह से जो गर्ल चाइल्ड है उनके साथ में जो पहले वाले इश्यूज होते थे वो अब इश्यूज नहीं है। पहले क्या किया जाता था आपको पता है, अबॉर्ट करवा दिया जाता था, पर अब ये कंडीशंस नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऑल द गर्ल्स क्या क्या कर रहे हैं आपको पता ही है, कल्पना चावला मैं जानता हूँ वो मेरे आइडल हैं एक तरीके से, आइडल इन द सेंस इंडिया को रिप्रेजेंट करना स्पेस में, है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, तो पहले गर्ल चाइल्ड अगर किसी इंडिविजुअल्स के या किसी कपल के पास पैदा हुई है तो वो कंडीशन को के लिए फीमेल को ब्लेम किया जाता था एक तरीके से। ये माना जाता था कि जो गर्ल चाइल्ड हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि वो फीमेल की वजह से हुई है, फीमेल्स के जेनेटिक्स की वजह से या फीमेल के डीएनए की वजह से हुई है, जबकि ट्रुथ आपको अभी पता चल गया है। ट्रुथ क्या है,
अगर मेल पैदा हो रहा है या फीमेल पैदा हो रही है, देखो फीमेल पैदा होगी या मेल पैदा होगा ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है फादर पे। फादर पे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि वाई क्रोमोसोम फादर के पास में है। अगर वाई क्रोमोसोम जाता और फ्यूज करता, वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज करता विद फीमेल गैमेट, तो फॉर्मेशन होता ना मेल का। तो फीमेल जो होती है उनके पास में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस होती है, तो वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। समझ में आया? तो हमको ये चीज याद रखनी है। वापस से आ जाओ तो थर्ड कंडीशन पे आ रहे थे। थर्ड कंडीशन कौन सी है? बर्ड्स में। बर्ड्स में सेक्स को डिटरमाइन करता है कौन? फीमेल्स। क्यों? क्योंकि दिस इज एग्जांपल ऑफ फीमेल हेटेरोजाइगोसिटी। लास्ट एग्जांपल कौन सा है? बटरफ्लाई और मौत का एग्जांपल है। ये एग्जांपल आप लोग खुद सॉल्व करोगे, जैसे मैंने ये तीन आपको करके दिखाए हैं वैसे। समझ में आ रहा है? जैसे ये तीन दिखाए ना, वैसे इस वाले को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए नोट्स में, और एक पिक्चर क्लिक करके मुझे सेंड कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं। अब हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। क्या है, कैसे है, अभी देख लेते हैं। इसको कॉपी करो तब तक जल्दी से। कॉपी किया और कॉपी हो गया है तो इसको हटाते हैं और डायरेक्टली आते हैं थोड़ा सा ड्रोसोफिला में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि ड्रोसोफिला में भी मेल की तरह ही अगर होमोजाइगस कंडीशन में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो फीमेल बनते हैं, और अगर हेटरोजाइगस कंडीशन में एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेल का फॉर्मेशन होता है। पर कुछ और भी स्पेशल कंडीशन है उनमें, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सब मैं रिमूव कर रहा हूं, हम स्टार्ट करेंगे। चलिए तो अब शुरुआत कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस तरीके से होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। सब लोग एक काम करें, जल्दी से लाइक कर दें नीचे जाके, नीचे ऐसा थम्स अप बना हुआ है उसको क्लिक कर दो जाके जल्दी से, फिर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं सेशन को जल्दी से। आगे हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। जल्दी जाओ, जल्दी से लाइक कर दो। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। आपको एक साइंटिस्ट का नाम यहां पे याद रखना है जिन्होंने ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन की टेक्निक को समझाया है, और साइंटिस्ट का नाम है सीबी ब्रिजेस। क्या नाम है? सीबी ब्रिजेस। तो सीबी ब्रिजेस नाम से जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन बताया है ड्रोसोफिला में। आपको याद रखना है ड्रोसोफिला को हम लोग फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। इस पे एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जिनको आप सब जानते हैं, हु इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, टीएच मॉर्गन। तो टीएच मॉर्गन जो है उन्होंने इसको एज अ एक्सपेरिमेंटल टूल यूज किया हुआ है, इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। अच्छा एक और चीज देखिए, ड्रोसोफिला जो है बनाना फ्रूट के ऊपर मोस्टली आपको दिख जाएगी। अब हम शुरुआत कर रहे हैं इसके सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो सीबी ब्रिजेस ने हमको बताया है कि
कि अगर आपको ड्रोसोफिला के सेक्स को डिटरमाइन करना है तो आपको रेशियोज निकालने पड़ते हैं ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के, मतलब कि आपको एक्स क्रोमोसोम इज टू ऑटोसोम, ये रेशियो निकालना पड़ता है, मतलब कि आपको निकालना होता है एक्स इज टू ए रेशियो। अगर आप एक्स इज टू ए रेशियो निकाल लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वाली मक्खी, कौन सी वाली ड्रोसोफिला मेल है, कौन सी वाली ड्रोसोफिला फीमेल है। तो इसके लिए इन्होंने एक चार्ट बनाया था जिससे आप एक्स इज टू ए रेशियो को निकालें और उस चार्ट से मैच करके बता पाए कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो देखो कैसे पता करना है, देखते हैं। सबसे पहले अगर ऐसी कंडीशन आए कि दो ऑटोसोम प्रेजेंट हो और दो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, दो ऑटोसोम दो सेक्स क्रोमोसोम, तो कंडीशन आएगी कैसी वाली, 2x2 और मतलब कि 1:1 या फिर बोल सकते हो 1। इस कंडीशन में जो 1 आया है ना, जब ऑटोसोम या एक्स क्रोमोसोम इस टू ऑटोसोम का रेशियो 1 आ जाए तो इसका मतलब कि यह है एक फीमेल। क्या है ये, फीमेल है, ठीक है। एक और कंडीशन देखो, अगर अगर एक्स क्रोमोसोम हो जाएं, मान लीजिए 4, एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, या चलिए काम करिए, एक्स क्रोमोसोम हमने कर लिए 2, ऑटोसोम हमने कर लिया 1, तो कंडीशन क्या आएगी, 2x1 अगेन। अब देखो, या एक काम करो, उल्टा कर लेते हैं, एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम मैंने कितने ले लिए 2 और एक्स क्रोमोसोम मैंने ले लिया है 1, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रेशियो क्या आएगा, 1x2। 1x2 मतलब कितना होता है, 1x2 मतलब होता है 0.5 विच इज हाफ, और हाफ का मतलब होता है मेल। अब यहां पे एक खास चीज क्या याद रखनी है, अब आपको पता है मेल्स और फीमेल्स जो हमने होते हैं ड्रोसोफिला में वो कैसे कैसे होते हैं, मेल होता है XY और फीमेल होता है XX, है ना। अब जब 0.5 कंडीशन आएगी तो 0.5 कंडीशन में जो मेल बनेगा उसके पास में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो अब क्या याद रखोगे, दो ऑटोसोम हो एक एक्स क्रोमोसोम हो तो रेशियो आएगा 1x2 मतलब 0.5 मतलब कि मेल। पर इस मेल के पास खास चीज क्या है, इस मेल के पास में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसलिए इस मेल को हम बोलेंगे फर्टाइल मेल, मतलब ये ऐसा मेल है जो कि गैमेट को प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक और टाइप के मेल मिलते हैं ड्रोसोफिला में जिनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। कई बार ऐसी कंडीशन मिल जाती है जहां पे चार तो हमें मिल गए ऑटोसोम और दो मिल गए हमको कौन, एक्स क्रोमोसोम। इस कंडीशन में एक्स क्रोमोसोम है 2 और ऑटोसोम कितने हैं 4, अगेन क्या रेशियो आने वाला है, तो रेशियो आ जाएगा अगेन 1x2 मतलब कि 0.5। अब 0.5 मतलब कौन हुआ, मेल। पर आपने नोटिस किया इस मेल के पास में एक्स क्रोमोसोम तो है पर वाई क्रोमोसोम नहीं है, अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा तो ये मेल होगा स्टेराइल। अब ये स्पेशल कंडीशन मिल गई क्योंकि एक्स एक्स कंडीशन फीमेल होना चाहिए, पर ड्रोसोफिला में क्या स्पेशल कंडीशन मिलती है, अगर चार ऑटोसोम निकल आए और दो एक्स क्रोमोसोम मिले और इन दोनों का रेशियो क्या आया, 0.5 या फिर 1x2 मतलब कि जो इंडिविजुअल बनेगा वो मेल रहने वाला है, चाहे एक्स वाई क्रोमोसोम हो चाहे वाई क्रोमोसोम ना हो। पर डिफरेंस क्या आएगा, वाई क्रोमोसोम के एब्सेंस की वजह से ये मेल कैसा होगा, स्टराइल होगा, मतलब ये गैमेट नहीं बना पाएगा। समझ में आ रहा है, ये सिंपल सा इसका फंडा है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाओ, देखो कंडीशन क्या है, 3 ऑटोसोम 2 सेक्स क्रोमोसोम मतलब कि 2x3। 2x3 मतलब कितना होता है बोलो, तो ये कंडीशन हो गई 0.6 और लगभग 6 या राउंड ऑफ कर दो 6-7, तो कंडीशन हो गई 0.67। ये वाली कंडीशन में क्या होने वाला है, जब भी आपको x is to a रेशियो 0.67 मिलेगा मतलब कि इंडिविजुअल होंगे इंटरसेक्स। कौन से इंडिविजुअल्स बनेंगे, इंटरसेक्स, मतलब कि इनमें मेल कैरेक्टर भी है और फीमेल कैरेक्टर भी है, दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है, कितना,
0.65 आता है तो इंटरसेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमको याद रखना है। ड्रोसोफिला में भी इंटरसेक्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाओ, दो ऑटोसोम हुए और अगर तीन सेक्स क्रोमोसोम हो गए तो कंडीशन उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3/2। 3/2 मतलब कितना हो जाता है, 1.5, मतलब कि ये हो जाएंगे सुपर फीमेल। कौन फॉर्म हो जाएगा, सुपर फीमेल का फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला के सेक्स को डिसाइड करना बहुत मुश्किल चीज नहीं है। सीबी ब्रिजेस ने आपको एक पूरा मेथड बता दिया है, एक कंप्लीट चार्ट प्रोवाइड किया है जो मैंने यहां पे बनाया है। इस चार्ट को देख के आप बता सकते हो इजीली कि कोई भी जो ड्रोसोफिला है वो मेल है या फिर फीमेल है, इजी रहेगा। ऐसे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एक ड्रोसोफिला है जिसके पास में एक्स क्रोमोसोम है 3 और ऑटोसोम उसके पास में प्रेजेंट है मान लीजिए 6 ऑटोसोम्स, तो आपको ये बताना है, कोई मुझे ये बता दो ये मेल है कि फीमेल है, जल्दी से बता दो ये मेल होगी कि फीमेल होगी ऐसी ड्रोसोफिला, जल्दी से कमेंट में आंसर दे दो जल्दी से। सिंपली क्या पूछा है मैंने, 6 ऑटोसोम्स हैं, 3 सेक्स क्रोमोसोम है, ऐसी ड्रोसोफिला जो है वो क्या होगी, वो मेल होगी कि फीमेल होगी, स्ट्राइल मेल होगी, क्या होगी, जल्दी से बता दो। आंसर्स आ रहे हैं, ये भी मेंशन करते जाओ, स्टेराइल मेल या फिर फर्टाइल मेल, या फिर स्टेराइल फीमेल और फर्टाइल फीमेल, क्या होगी, ये होगी या होगा, ये स्ट्राइल मेल, मेल मेल स्ट्राइल मेल, वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स दे दें, जल्दी से अपने आंसर्स दे दें, ज्यादा कुछ बचा नहीं है सेक्स डिटरमिनेशन में, दो तीन चीजें और बतानी है, चैप्टर खत्म होने, ये पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा अभी। स्टराइल मेल, मेल, बहुत बढ़िया, साथ साथ में कॉपी करते जाना, क्योंकि अगेन मैं आपको बता रहा हूं ये लेक्चर कभी भी रिमूव हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप ढंग से पढ़ें, नोट डाउन करें, इन पे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो ये अगर हो सकता है मैं ऑफलाइन ले लूं, उसके बाद इसको री अपलोड कब करूंगा उसकी श्योरिटी नहीं है, इसलिए उसको अभी नोट डाउन करते जाएं साथ साथ में। बिल्कुल सही है आंसर, मैक्सिमम लोगों ने दे दिया, स्टराइल मेल। कैसे पता चला आपको वो स्टराइल मेल है, सिंपल सा फंडा आपने ये वाला आजमा लिया, कौन सा वाला, ये वाला, एक्स क्रोमोसोम 3 है, ऑटोसोम कितने हैं 6, 3/6 मतलब कितना होता है 1/2 होता है, पर यहां पे वाई क्रोमोसोम नहीं है ना, इसलिए ये फर्टाइल मेल नहीं है, ये कैसा है, दिस इज अ स्टराइल मेल, देखो 1/2 मतलब कि मेल, 1/2 मतलब कि मेल, 0.5, पर 0.5 के साथ में क्या देखना है, एक्स क्रोमोसोम में वाई नहीं है, मतलब कि स्टराइल, तो स्टराइल मेल बिल्कुल सही आंसर है। ऑलमोस्ट सब लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने गलत आंसर भी दिया है, पर कोई बात नहीं, आगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, तो ये था सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला, अब बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन हनीबी। हनीबी में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, अब हनीबी की अगर मैं बात करूं तो हनीबी का जो कॉम्ब होता है, छत्ता होता है, उस छत्ते में तीन टाइप की मक्खियां आपने देखी है, एक होती है क्वीन, एक होती है वर्कर, एक होती है ड्रोन, है ना, क्वीन है, वर्कर है, ड्रोन है। क्या याद रखेंगे, क्वीन इज अ डिप्लॉइड फीमेल, क्वीन कौन है, इट इज अ डिप्लॉइड फीमेल, वर्कर कौन है, दिस इज ऑल्सो अ डिप्लॉइड फीमेल, और जो ड्रोन्स होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, जो मेल्स होते हैं, सॉरी, जो ड्रोन्स होते हैं वो हैं हैप्लॉइड मेल्स, ठीक है,
कौन है वो? हैप्लॉइड मेल्स होते हैं। अब सिंपल सा बंडा क्या लगाओगे, देखो मैंने क्वीन लिया, क्वीन ली, इस क्वीन ने जब गैमेट का फॉर्मेशन करेगी तो ये जो गैमेट फॉर्म करेगी वो करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन से डिप्लॉइड क्वीन हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है? कैसा गैमेट? हैप्लॉइड गैमेट। ड्रोन मेल है, ये ड्रोन चूंकि हैप्लॉइड है, और गैमेट भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए आप मियोसिस नहीं कर पाओगे, आपको करना पड़ेगा माइटोसिस। तो ड्रोन्स माइटोसिस करके गैमेट बनाएंगे, क्वीन मियोसिस करके क्या बनाएगी? गैमेट बनाएगी। मान लीजिए ये दो गैमेट हैं जो कि किसने बनाए हैं? क्वीन ने। अब एक गैमेट को तो मेल गैमेट के साथ में फ्यूजन करवा दिया गया। जब मेल गैमेट, जब क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो फॉर्मेशन होगा एक नए इंडिविजुअल का, एक नए जाइगोट का। और ये जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड जाइगोट की खासियत क्या है? ये जाइगोट डिवाइड करके प्रोडक्शन कर सकता है या तो न्यू क्वीन का या फिर वर्कर्स का, किसी भी एक का प्रोडक्शन करेगा। कौन? ये डिप्लॉइड जाइगोट। पर कुछ गैमेट ऐसे भी होते हैं क्वीन के पास जिनको मेल गैमेट के साथ में फ्यूजन करने का चांस नहीं मिलता, तो ये जो है दिस गैमेट विल रिमेन अनफर्टिलाइज्ड। तो जो अनफर्टिलाइज्ड गैमेट है इट विल शो पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है जब अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली डेवलप करके या तो मेल या फिर फीमेल का फॉर्मेशन कर दे। तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो कि हैप्लॉइड था, अगर ये पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस करेगा तो ये प्रोडक्शन किसका करेगा? मेल का। कैसा मेल? हैप्लॉइड मेल। एंड दिस हैप्लॉइड मेल विल बी कॉल्ड एज ड्रोन। क्या बोलेंगे इस हैप्लॉइड मेल को? इस हैप्लॉइड मेल को हम बोलेंगे ड्रोन। सिंपल है। तो ये जो सेक्स डिटरमिनेशन है किस बेसिस पे किया आपने? ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉइडी। डिप्लॉइड होंगे तो फीमेल, हैप्लॉइड होंगे तो मेल्स। समझ में आ रहा है? और यहां पे एक नई कंडीशन मिली है, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस वाली कंडीशन में अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली डेवलप कर जाता है और या तो मेल का फॉर्मेशन करता है या फिर फीमेल का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया? पक्का? तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉइडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? चलिए, चलो तो अब इसको हटा देते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन को हटा रहा हूं और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं विच इज एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन। इसको कॉपी करें जल्दी से। कोई डाउट आ रहा है बीच में तो जल्दी से लिख दो। ऑल दो इतना सिंपल है इंफॉर्मेशन, डाउट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर है तो फिर भी लिख सकते हो, कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो अभी लिख दो, हम डिस्कस कर लेंगे अभी। चलिए कॉपी करते जाइए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट पोर्शन विच इज एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन।
एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वर्म, सी वर्म विच इज बोनेलिया। बोनेलिया एक सी वर्म होता है। बोनेलिया क्या है? इट इज अ सी वर्म, समुद्र में रहने वाला एक वर्म होता है जिसका नाम है बोनेलिया। बोनेलिया की खासियत क्या है वो सुन लो। ये मतलब कि एक पता नहीं आप, चलिए सुनिए, इसकी कंडीशन एक बहुत स्पेशल कंडीशन है बोनेलिया की, या बोलो एनवायरमेंटल सेंस डिटर्मिनेशन की सारी कंडीशंस ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लगे तो इसके बारे में फाइंड आउट करिए, गूगल सर्च करिए, विकिपीडिया पे पढ़ने की कोशिश करिए कि एक्चुअली होता क्यों है ये इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ होती क्यों है। बोनेलिया जो है ये वर्म एग्स को हैच करने के लिए सी शोर पर आता है, ठीक है, मैराइन वर्म है। क्या करेगा ये सी शोर पे आके अपने एग्स को हैच कर देती है। सारे के सारे एग्स हैच होने के बाद सी शोर पे पड़े रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या होगा, थोड़े थोड़े आपको पता है थोड़े थोड़े गैप में वेव्स आती हैं। वेव्स जैसे ही आएंगी तो कुछ वेव्स एग्स को लेके पानी में वापस चली जाएगी, कुछ एग्स ऐसे होंगे जो बोनेलिया के साथ में सी शोर पे रुक जाएंगे। जो एग्स बोनेलिया के साथ में सी शोर पे रुक गए, मतलब कि जो मदर बोनेलिया है उसके साथ में जो एग्स रुक जाएंगे वो एग्स डेवलप करेंगे इनटू अ मेल, और जो एग्स वाटर के साथ में, वाटर का जो वेव आया था उस वेव के साथ में बह के वापस पानी में चले जाएंगे वो कन्वर्ट हो जाते हैं फीमेल में। फिर से सुनो, बोनेलिया जो है ना, बोनेलिया अपने एग्स को लेके, या बोलो अपने एग्स को कहां पर ड्रॉप करने जाती है, रिलीज करने जाती है, सी शोर पे। तो बोनेलिया सी में से कहां पर पहुंची, शोर पे, किनारे पे पहुंची। किनारे पे पहुंच के वो अपने एग्स को वहां पे क्या कहते हैं उसको, एक तरीके से रिमूव करती है बॉडी से। जो एग्स वेव्स के साथ में वापस से पानी में बह के चले जाते हैं वो फीमेल बनते हैं, और जो एग्स बोनेलिया मदर वो बोनेलिया के पास में रुक जाते हैं वो एग्स हैच करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है। क्या याद रखेंगे, बोनेलिया जो है सी वर्म है, इट लेज इट्स एग, इट ले इट्स एग्स ऑन सी शोर, ये याद रखना है, सी शोर पे अपने एग्स को ले करते हैं। एग्स अराउंड मदर टर्न्स इनटू मेल, एक्चुअली होता है इसलिए क्योंकि मेल जो फीमेल है उसकी बॉडी कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल रिलीज करती है, वो न्यूट्रिटिव मटेरियल और वो केमिकल्स जो रिलीज करती है फीमेल, वो केमिकल्स को ये एग एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं मेल में। पर जो फीमेल्स हैं वो वाटर के साथ में, वाटर करंट के साथ में फ्लो करके वापस से सी में चले जाती है और कन्वर्ट हो जाती है काय में, फीमेल में। तो ऐसा लिख देते हैं, एग्स अवे फ्रॉम मदर turns into female। तो फंडा क्या है, फंडा सिंपल सा है, बोनेलिया वर्म के पास में जो एग्स होंगे ना उन एग्स को न्यूट्रिशन मिलेगा, और एक और चीज, जैसे ये पैदा होंगे ना तो ये पैरासाइटिक होते हैं और ये अपनी मदर की बॉडी के अंदर ही एंटर कर जाएंगे, माउथ से अंदर एंटर कर जाएंगे और अंदर उनसे न्यूट्रिएंट लेते रहेंगे जब तक इनको थोड़ा स्ट्रेंथ ना मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो बोनेलिया जो है ना, इसके एग्स जो होते हैं वो एग्स अगर मदर के पास में रहेंगे तो मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मदर से दूर जाएंगे तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस कंडीशन को हम मानते हैं क्या, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पोर्शन आ जाओ, सेकंड। क्रोकोडाइल की बात कर लो भाई, क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स, कई सारी लिजर्ड्स होती है, कई सारे क्रोकोडाइल्स जो है और लिजर्ड्स जो है, इनमें कौन सी कंडीशन मिलती है, इनमें जो सेक्स है वो डिटरमाइन करने वाली चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हाई हुआ ना तो प्रोडक्शन होता है मेल्स का, हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर पे हैचिंग होगी, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई पे अगर हैचिंग हुई एग्स की तो कौन पैदा होने वाले हैं, मेल्स पैदा होने वाले हैं। अगर लो टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर लो है ऐसी कंडीशन में हैचिंग हुई है तो प्रोडक्शन होगा
फीमेल्स का ये फंडा चलता है क्रोकोडाइल में और लिजर्ड्स में, बहुत बहुत ही अमेजिंग सा और मतलब एक अजीब सा फैक्ट नहीं है, बहुत अजीब है, क्योंकि मोस्टली जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स होना चाहिए वो किस बेसिस पे होना चाहिए, क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट था इसलिए मेल है, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं था इसलिए फीमेल है, पर यहां क्या हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर के बेसिस पे ही डिसाइड हो रहा है कि मेल है कि फीमेल है, समझ में आ रहा है। आपने नोटिस किया होगा नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी कई सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जिन चैनल्स पे आपने नोटिस किया है लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो सी शोर पे आते हैं, एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे के अंदर अपने एग्स को ले करेंगे और उसके ऊपर बैठ जाते हैं, पता ही है बात, वो अपने एग्स के ऊपर बैठ के उनको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनकी हैचिंग हो और उनको डिजायर्ड इंडिविजुअल मिल जाए, ठीक है। तो मतलब कि मेल कब बनेंगे फीमेल कब बनेंगे, दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे फॉर्मेशन होता है मेल्स का, लोअर टेम्परेचर पे फॉर्मेशन होता है फीमेल्स का। अब आते हैं सीधा सीधा क्या है अनसेगमेंटेड एनलेटा, ये क्यों लिखा है आपने बेटा अनसेगमेंटेड एनलेटा, पता नहीं, चलिए एक और पार्ट ले लेता हूं, थर्ड कंडीशन एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में थर्ड पार्ट है टर्टल। अब टर्टल वाली कंडीशन भी स्पेशल है, स्पेशल कुछ नहीं है, इसके ऑपोजिट है एक तरीके से। टर्टल की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने नोटिस किया था यहां पे हाई टेम्परेचर पे मेल बनते हैं वैसे यहां पे लो टेम्परेचर पे मेल बनते हैं, तो लो टेम्परेचर मतलब कि प्रोडक्शन होगा मेल का, अगर एग्स जो है ना एग्स में एग्स को आपने लो टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो बनेंगे मेल, अगर आपने हाई टेम्परेचर दे दिया और उसके बाद हैचिंग हुई तो बनेंगे फीमेल। एक और चीज बीच की बात, अगर आपने ऐसी कंडीशन दे दी जो कि ना तो हाई टेम्परेचर है ना लो टेम्परेचर है तो मतलब कि मीडियम टेम्परेचर अगर आप प्रोवाइड करोगे तो सेक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब कि चांसेस हैं कि कुछ मेल्स बनेंगे कुछ फीमेल्स बनेंगे, पर मोस्टली पता है 50-50% केस हो जाता है, 50% मेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं 50% फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बहुत अजीब सा कुछ है, पर ये हमको याद रखना है, एग्जाम्स में आता है, वो नहीं लिया है, कुछ एग्जाम्स में आ चुका है, नीट में अब तक कुछ भी नहीं आया इनमें से, ठीक है। पर एक चीज है, ग्रास ऊपर वाली कंडीशन आपने पढ़ी है वो नीट में और एम्स में दोनों में आ चुकी है, इसलिए उसको बहुत इंपॉर्टेंट वे में याद रखना है, जैसे कि एक्सओ कंडीशन की मैंने बात की थी। अब मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों को कितना याद है, अगर आपको याद है मैंने आज जो पढ़ाया उसमें से तो ये बता दो, एक्सओ कंडीशन जो होती है इसमें ये एक्सओ वाले इंडिविजुअल्स मेल होते हैं कि फीमेल होते हैं, ग्रास ऊपर में मैंने बोला था एक्सओ कंडीशन, ग्रास ऊपर में जो एक्सओ कंडीशन है वो मेल है कि फीमेल है जल्दी से कमेंट में लिख दो, मेल एक आंसर आया, बाकी लोग जल्दी जल्दी लिखो, बाकी लोग आंसर क्या देते हैं नहीं देते हैं उनकी प्रॉब्लम है, आपको सिलेक्शन चाहिए खुद के लिए, इसलिए जल्दी से अपना आंसर तो लिख दिया करो। देखो किसी भी एग्जाम में आपको सिलेक्शन चाहिए ना तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप ये मत देखा करो कि एक क्लास में बैठे हुए कितने स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, करेक्ट आंसर दे दिया है, आपका फर्ज क्या बनता है, आपको खुद को करेक्ट आंसर देना जरूरी है, समझ रहे हो, 50 लोग पहले ही आंसर दे चुके हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि आपसे टीचर ने सबसे पूछा है ना, तो टीचर ने सबसे पूछा है तो आप कोशिश करिए आप भी आंसर दो, ठीक है। और अगर आप गलत आंसर दे दो बाय चांस तो ये बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि अगर वो गलत आंसर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं उसको करेक्ट नहीं कर पाऊंगा ना, और मैं करेक्ट नहीं करूंगा तो वो गलत आंसर ही आपके दिमाग में हमेशा रहने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने यहां पे आंसर लिख दिया है मेल, ओके मेल लिख दिया है, सही है, एक्सओ कंडीशन किसमें कौन सी वाली थी, मेल वाली कंडीशन थी। चलो ये बता दो कॉकरोच में फीमेल हेट्रोफिली मिलती है, हेट्रोफिली बोल रहा हूं, कॉकरोच में हाँ मेल हेटरोजाइगोसिटी मिलती है या फीमेल हेटरोजाइगोसिटी मिलती है कॉकरोच में, जल्दी से बता दो, कॉकरोच में मेल हेटरोजाइगोसिटी मिलेगी कि फीमेल हेटरोजाइगोसिटी मिलेगी, जल्दी ए कौन सा था, मेल हेटरोजाइगोसिटी, ओके ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है मेल हेटरोजाइगोसिटी,
नाइस, सही है भाई, एकदम सही है, मेल हेटरोजाइगोसिटी सही आंसर है। चलो एक आध क्वेश्चन का आंसर आप दे दो, मैं इसमें से पूछ लेता हूं, और ये कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, कपलिंग, रिपल्शन, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये पूरा खत्म करने वाला हूं मैं, ठीक है। क्राइडोजेट सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय द, क्वेश्चन इज क्राइडोजेट सिंड्रोम इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय द, सबसे पहला ऑप्शन है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर वन, फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्स एक्स एग बाय नॉर्मल वाई बींग बियरिंग स्पर्म, ऑप्शन सेकेंड है लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोजोम, ऑप्शन सी loss of half of the long arm of fifth chromosome, option D trisomy of 21st chromosome। जल्दी से अपना आंसर दे दो। B, देखो fifth chromosome तो आपने लिखा है बेटा, पर और appropriately लिखो ना। option फिर से सुन लो, fertilization of XX egg by normal Y bearing sperm, ऑप्शन बी लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम, ऑप्शन सी लॉस ऑफ हाफ ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम, ऑप्शन डी ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। आंसर मैक्सिमम लोगों ने बी लिखा है, बॉम्बे। ओके बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है आंसर। और आपको मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन AIPMT 2006 में ऑलरेडी आ चुका है। क्राइडोजेट सिंड्रोम को कैट क्राइ सिंड्रोम बोलते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, AIPMT 2006 का क्वेश्चन था ये। कई क्वेश्चन इतने सिंपल हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, आप लोगों को बता चुका हूं मैं, जैसा जैसा लाइन टू लाइन बताया वैसे क्वेश्चन AIPMT में आए हुए हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए एक क्वेश्चन सुनिए, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विथ ऑप्शन वन गामा रेडिएशन, ऑप्शन टू IAA, ऑप्शन थ्री इंफ्रारेड रेडिएशंस, ऑप्शन फोर इथाइलिन। म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड विथ ऑप्शन वन गामा रेडिएशन, ऑप्शन टू IAA, ऑप्शन थ्री इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन फोर इथाइलिन। जल्दी से बताओ भाई, मन में है विश्वास, कौन है भाई सही आंसर दिया है, सबसे पहले दिया है तन में, यूवी तो ऑप्शन में ही नहीं है। बिल्कुल सही है, आंसर इज ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, गामा रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है। तो गामा रेडिएशन म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं, ये हमको याद रखना है, कल के ही मतलब लास्ट प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसलिए अच्छे से याद रखें इसको। अच्छा और एक और चीज, ये 2011 AIPMT के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, जो मैंने आपसे अभी पूछा है, जो आपको ऑलरेडी पता है। चलिए एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, गौर से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ गिवन एग्जाम्पल्स। एक बार फिर से सुन लो क्वेश्चन, Which one of the following condition correctly describe the manner of determining the sex in the given example? सबसे पहला ऑप्शन है
होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम, XX प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम XX प्रोड्यूसेस मेल इन ड्रोसोफिला, ऑप्शन बी होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम ZZ डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड, XO टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन सेक्स इन मेल ग्रासोपर, ऑप्शन डी XO कंडीशन इन ह्यूमन आर एस फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स। बता दो भाई जल्दी से, एक बार और सुनो ऑप्शन, तब तक बाकी लोग आंसर देते हैं जिनको जिन्होंने ऑप्शन समझ लिया है। विच वन ऑफ क्वेश्चन सुन लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब दिस मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन गिवन एग्जाम्पल। ऑप्शन वन होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, होमोजाइगस बी ऑप्शन है होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम ZZ डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड, ऑप्शन सी XO टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासोपर, XO कंडीशन इन ह्यूमन एस फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइंस फीमेल सेक्स। ये चार ऑप्शन है आंसर, बहुत सारे लोगों ने सी आंसर दिया है, बाकी लोग भी आंसर दें दे जल्दी से, तब तक मैं देख लेता हूं सबसे पहले किसने आंसर दिया था। मयूरी, मयूरी ने सबसे पहले आंसर दिया है विच इज सी। बाकी लोग, सब लोग दे दें जल्दी जल्दी अपने आंसर्स। बिल्कुल सही है, आंसर इज सी। सी आंसर क्या था, XO टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासोपर। अभी दो मिनट पहले यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन है AIPMT 2011 का, तो AIPMT 2011 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ऑल्दो आपने जो ऊपर के सारे जितने भी ऑप्शन थे इस क्वेश्चन में, सारे ऑप्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी, क्योंकि हम वो सब पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए और कोई क्वेश्चन देखें एक आध। नीट 2013 में स्टार्ट हुआ था पहली बार, उसका एक क्वेश्चन सुन लो। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट with regard to hemophilia is, the incorrect statement with regard to hemophilia is, option 1 it is a sex linked disease, option 2 it is a recessive disease, option C it is a dominant disease, option D a single protein involved in the clotting of blood is affected। बताओ भाई कौन सा वाला आंसर आना चाहिए। पिछले का भी आंसर सी था तो अब पूरा मिक्स हो गया है, तो आई थिंक अथर्व मयूरी ने पहले सी आंसर दिया है, ठीक है ऑप्शन सी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप कभी भी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है, वहां पे फॉल्स स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ज्यादा पूछे जाते हैं। जहां इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है आप वहां पे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के आंसर लगा देते हो। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सारे ऑप्शन पढ़ें, सारे ऑप्शन पढ़ें और क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ें, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ऑल्दो यहां पे सबने सही आंसर दिया है और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये 2013 का इसका नीट का एग्जाम जो हुआ था सबसे पहले, उसका एक क्वेश्चन है ये वाला जो मैंने आपको अभी अभी पूछा है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलिए ये काम करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे और लाइक जरूर कर दें सब लोग। देखिए जल्दी से अगर पसंद आया तो चलो 77th, मतलब ऑब्वियसली इसमें 77 है। क्वेश्चन सुनिए, आ फीमेल आ ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, क्वेश्चन यही है, आ ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सुनो, हैज 45 क्रोमोसोम विथ XO, हैज वन एडिशनल क्रोमोसोम, वन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी देखो एग्जिबिट मेल कैरेक्टर, ऑप्शन डी is able to produce children with normal husband।
फिर से सुन लो, क्वेश्चन है अ ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन वन हैज 45 क्रोमोसोम विथ एक्सो, ऑप्शन सेकंड हैज वन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन थर्ड एग्जिबिट मेल कैरेक्टर, ऑप्शन फोर्थ इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विथ नॉर्मल हस्बैंड। क्या बात है, बड़े जल्दी जल्दी आंसर दे देते हो तुम लोग, और जरूरत भी इसी चीज की है। आपका एग्जाम, आपके एग्जाम है, जब तक आप करेक्ट आंसर नहीं लगा पाते हो तब तक तो आपको बायो के पेपर में बहुत स्लोली स्लोली करना है, कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए बायो में, क्योंकि बायो यार इजी है, बायो टफ है ही नहीं। ठीक है, वो बात अलग है कि मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं बायो में, 360 मार्क्स का पेपर होता है बायो का, है ना, बहुत ज़रूरी भी है। ऑलमोस्ट सब ने आंसर सेम ही दिया है, बहुत बढ़िया। एक मिनट, आंसर किधर से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहला मयूरी, सेकंड आर्या, देन ईश्वरी। ठीक है, लाइन से आप देख सकते हैं सबने आंसर दे दिए हैं, अपने अपने आंसर्स, सबने तो नहीं दिए, बहुत कम लोगों ने आंसर्स दिए हैं इस वाले के, क्योंकि बाकी लोग वेट कर रहे हैं कि बाकी लोग, सब लोग आंसर सेम ही देने वाले हैं, है ना। अगेन बोल रहा हूँ मैं, कभी भी दूसरों के आंसर्स को देख के शांत मत बैठा करो, अपना आंसर जरूर दे दिया करो, जो आपको लगता है सही है वो आंसर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से कोई और बोलेगा तो सिलेक्ट भी कोई और ही होगा ना। चलिए, तो देखिए एक चीज़ है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन पहली बात तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अगर इसी मॉड्यूल में, जो मॉड्यूल मेरे हाथ में है, जो इस चैप्टर की है, सिर्फ एक चैप्टर की है, इसी मॉड्यूल को देखो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोर देन 90 हैं, एक चैप्टर में से अब तक नीट के एग्जाम में मोर देन 90 क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इस चैप्टर की, है ना। तो बेटर ऑप्शन इज आप क्या करें, बिल्कुल फोकस होके ये सारी इंफॉर्मेशन को सीखें। कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है, एक सिंपल सा फंडा है, आप डाउट को अपने ग्रुप में पोस्ट कर दो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स का ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप आपके पास में है जिसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके, उस ग्रुप में पोस्ट कर दो, ठीक है। इस ग्रुप में पोस्ट करने से क्या होगा, जो आंसर आपको नहीं आता है, हो सकता है वो किसी और को आता हो क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली, है ना। तो मिलजुल के आप परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और देखिए स्कोर ज़्यादा वही करेगा जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जाके आपके लिए एग्जाम आसान होने वाला है। एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ते जाइए, क्योंकि बिना एनसीईआरटी की बुक पढ़े कन्फ्यूजन ही होगा, चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई भी स्टेटमेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया ही नहीं है, बहुत घुमा घुमा के दिया है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चार्ट दिया है एनसीईआरटी में जिसमें क्रोमोसोम और जीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, या ए और बी करके कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, पूछा है कौन सा इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम की है, कौन सी इन्फॉर्मेशन जीन की है, वो चार्ट आपको किसी बुक में उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कहीं पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, आप कहीं भी ढूंढ कर देख लेना, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो चार्ट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसको कोई बताएगा नहीं आपको उस चार्ट के बारे में, कि उसमें जो जो डिटेल्स दिए हैं वो किस चीज़ के दिए हैं, कैसे दिए हैं, क्या सॉल्व करना है, कुछ नहीं पता उसमें, ठीक है। कोई भी बुक में ढूंढोगे उसका कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मैं आपको वो चार्ट पूरा सॉल्व करवा के दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, चलेगा। अच्छा, कुछ डाउट है क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है सीमा कटारिया की तरफ से, हाउ मच टेम्परेचर इज नीडेड फॉर मेल एंड फीमेल इन बोथ क्रोकोडाइल एंड टर्टल। एक्चुअली में क्या है, इनिशियली मैं टेम्परेचर भी बताता, 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ना वो इनके लिए सुटेबल है। 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले गए तो मेल का फॉर्मेशन होगा, और अगर 30 डिग्री से नीचे चले गए तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा, पर वो टेम्परेचर एक्चुअली में हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि उस टेम्परेचर में भी कुछ कुछ जगह वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैंने कई सारी विकिपीडिया पे भी और भी कई इन्फॉर्मेशन बुक में चेक की है जहाँ पर टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन दिख रहे हैं, पर इन्फॉर्मेशन में वेरिएशन नहीं है। जैसे कि कौन सी वाली, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेल बनेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हर जगह दी है, टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं, तो कन्फ्यूज़ होने से अच्छा है, ऑल दो ये इन्फॉर्मेशन अब तक आई नहीं है, पर सेक्स डिटर्मिनेशन में जो पूछा जाता है वो इतना ही पूछा जाता है। टेम्परेचर का एग्जैक्ट जो नंबर है
वो आप लोग कोशिश करिए फाइंड आउट करने का। अगर आपको किसी ऑथेंटिक बुक में एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ठीक है, और नहीं मिलती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसकी दे दूंगा, क्योंकि इसकी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जब तक आपको नहीं है तब तक किसी को बताना भी मत, क्योंकि ये अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन एग्जाम में आती है तो गलत इन्फॉर्मेशन रख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, चलेगा। तो मैं देखूंगा कोई अगर ऑथेंटिक बुक होगी जो एनटीए वाले मान जाए जिस बुक को, तो उस बुक में फाइंड आउट करता हूँ। अगर मिलेगा इसका टेम्परेचर का कोई एक फिक्स वैल्यू तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मोस्टली 30 के अराउंड रहता है, 30 को के ऊपर जाएंगे तो मेल्स और 30 के नीचे जाएंगे तो फीमेल्स, चलेगा। और कुछ डाउट हो तो बता दो जल्दी से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल ध्यान रखें, थोड़ा सा साफ सफाई रखें। ओके, बाय बाय।